Hello and welcome back everyone. This is here again Vijay, your physics mentor. And now today I am going to discuss here about the dimensions. Dimension ke baare mein hum detail se samajhne wale hain ki dimension kya hoti hai. In our previous lecture we have discussed about the fundamental quantities, derived quantities, physical and non-physical quantities. There are seven fundamental quantities in physics: length, mass, temperature, luminous intensity, electricity, amount of substance. These are the seven fundamental quantities, and velocity, density, these are the derived quantities, that is derived by the fundamental quantities. We have already discussed about them. Now today in this lecture we'll discuss about the dimension. Ki dimension kya hoti hai, dimension ka kitna importance hota hai physics mein. Clear? To isse hum detail se yahan par is video mein samajhne wale hain ki dimension kya hoti hai. Now let's talk about the dimension. What are dimensions and their symbols? Unki kya symbols hote hain physics mein? Ye aapka second lecture hai unit and dimension ka. Power to which fundamental quantities must be raised in order to obtain the unit of the given quantities. Agar koi bhi given quantity hai aapki, jaise velocity hai, to velocity ko dimension form mein likha jata hai. Aur kuch powers bhi hoti hain किसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में उन्हें लिखा जाता है. क्लियर? मतलब कि अगर कोई भी यूनिट है, उस यूनिट की अगर यूनिट है किसी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि मान लीजिए आप वेलोसिटी हैं, तो वेलोसिटी की क्या होगा, आपका यूनिट भी होगी, साथ में उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी भी होगी. अब फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में आपके डायमेंशन लिखी जाती है, जस्ट लाइक यू कैन सी सिंबल्स ऑफ डायमेंशन. डायमेंशन के जो जनरल फॉर्म है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि आपको इस तरीके से दो ब्रैकेट्स बनाने होते हैं, और इस ब्रैकेट के बीच में एल एम टी, यानी कि एल जो है वो लेंथ के लिए होगा, एम जो है वो मास के लिए हुआ, टी जो है आपके टेम्परेचर के लिए होगा. क्लियर? और ये जो K है आपका K टेम्परेचर के लिए होगा, सॉरी ये जो T है ये तो टाइम है, सॉरी ये टाइम है T आपका, और जो K है आपका वो टेम्परेचर के लिए होगा. A जो है आपका A जो है आपका एम्पियर करंट के लिए यूज होगा. नाउ कि इन सीयर आप देख सकते हैं यहां पर सिंबल्स ऑफ डायमेंशंस. डायमेंशंस के कौन कौन से सिंबल्स होंगे, लेंथ के लिए आप हमेशा इस तरीके से आपको लिखना होगा लेंथ के लिए. क्लियर? मास के लिए आपको हमेशा इस तरीके से राइट डाउन, यू हैव टू राइट मास लाइक इट. और आपको टाइम के लिए इस तरीके से कैपिटल टी लिखना होगा ब्रैकेट्स के अंदर. टेम्परेचर के लिए आपको के केल्विन में लिखना होगा, क्योंकि जो आपकी यूनिट होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है. इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप यहां पर एम्पियर लिखेंगे इस तरीके से. अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप मोल लिख देंगे भाई, ठीक, मोल लिख देंगे आप अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो. और अगर आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखनी है तो उसके लिए आप सीडी, यानी कि कैंडला जो है, आप इस तरीके से डायमेंशंस जो है वो एक फंडामेंटल फॉर्म में लिख दी जाती है. चलिए वन बाय वन हम बहुत सारी डायमेंशंस को इस लेक्चर में फाइंड आउट करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे स्पीड की. स्पीड की डायमेंशन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, जितनी भी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे स्पीड है, एरिया है, वॉल्यूम है, देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप डायमेंशन को फाइंड आउट कर पाएंगे बहुत ईजिली. तो यहां पर है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पीड. स्पीड के आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड की डायमेंशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो यू मस्ट नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. एंड स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. एंड डिस्टेंस, यू नो दैट डिस्टेंस इज अ लेंथ है. क्लियर? और टाइम ही है. तो यहां पर आपको इसे फंडामेंटल फॉर्म में लिखना है. फंडामेंटल फॉर्म में लिखना है तो आपकी जो यहां पर इसकी यूनिट पहले हम लिखेंगे, तो यूनिट जो है डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स. सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकंड. एंड अगर आपको यहां पर डायमेंशन लिखनी है तो डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन होगी मीटर की, तो होगी लेंथ एल वन, और ये हो गया आपका टी वन. क्लियर? तो यहां से हो जाएगा आपका डायमेंशन एल वन, एम जीरो हो गया है और टी वन हो गया है. तो यहां पर जो आपका आएगा, यानी कि कौन सी डायमेंशन मैच हो रही है, एम जीरो. एम जीरो है किसमें, ये रहा एम जीरो, ठीक है. एल वन, एल वन कहां है, एल वन इसमें कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर एम जीरो है तो एल टू है, ये वाला गलत हो गया है, ये भी, क्योंकि टी टू है, ये भी आपका रॉन्ग है ऑप्शंस, और ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है. नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर. आपका यहां पर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्पीड की जो डायमेंशन होगी वो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी आपकी, यहां पर स्पीड की डायमेंशन होगी एम जीरो एल वन टी वन. दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड.
क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो एरिया की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो यहां पर जो लेंथ है ये भी आपकी कौन सी वाली है, लेंथ है, मतलब कि जो है ये भी लेंथ है और ब्रेथ भी आपकी लेंथ है। तो ये जो है इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी एरिया की। और यहां पर जो आपके डायमेंशन आएगी वो डायमेंशन क्या आ जाएगी, एम जीरो एल टू आ जाएगा यहां पर, क्योंकि ये लेंथ है भाई आपकी, और टी जीरो। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच्ड है आपका, तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा आपका आंसर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर आपको यहां पर डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से करेंगे, वॉल्यूम की अगर आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो बहुत इजीएस्ट वे है वॉल्यूम की डायमेंशन फाइंड आउट करने का, क्योंकि आप जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एल क्यूब। वी इक्वल टू क्या होगा भाई, एल क्यूब। तो v इक्वल टू एल क्यूब, एल क्यूब का मतलब यानी कि क्या हो गया ये आपका, इसकी यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट आपके पास क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम की यूनिट होगी। और इसकी अगर हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो डायमेंशन किस तरीके से होगा, डायमेंशन होगा एम जीरो एल थ्री एंड टू जीरो। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन होगी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन सेकंड भी मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन थर्ड यानी कि सी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही आपकी वॉल्यूम की डायमेंशन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या कहता है बताइए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, समझना, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज द डायमेंशन ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। अच्छा, मास को, मास इज मेजर्ड इन केजी एंड वॉल्यूम इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? सो यहां पर ये अगर इसकी यूनिट लिखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी आपकी, ये तो है मास की यूनिट तो केजी में होगा, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये तो हुआ आपका फंडामेंटल यूनिट। क्लियर? अब इसकी डायमेंशन को लिखना है तो डायमेंशन लिखने के लिए आप वही ब्रैकेट बना देंगे। मास के लिए आप क्या लगा देंगे, एम वन, एम वन, और आपके नीचे अपॉन में आ जाएगा एल क्यूब, क्योंकि आप जो लेंथ है यानी कि मीटर है, मीटर को एल से डिनोट करते हैं डायमेंशन में, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो यहां से जो आपकी डायमेंशन होगी वो डायमेंशन होगी एम जीरो एल क्यूब, और टी यहां पर जीरो है तो ये टी जीरो जाएगा, एम वन है भाई यहां पर, एम वन एल क्यूब टी जीरो। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो रहा है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड मैच हो रहा है, नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड मैच हो रहा है, क्योंकि यहां माइनस में आ रहा है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आपके यहां पर ये जो है यस, तो यहां पर आपके क्या होगा, ये माइनस में आएगा भाई, एल क्यूब ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। एल जो है, एल आपका डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा, तो एम वन एल क्यूब टी जीरो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो डेंसिटी की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो इज योर करेक्ट आंसर। Now let's move to the another one, momentum. Momentum equal to होता है mv. बात समझना भाई, momentum जो है वो momentum की dimension को हमें find out करना है। तो momentum की dimension को find out करने के लिए we know that momentum क्या होता है, p equals to mv होता है, mv। अच्छा ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी जाकर आप डायमेंशन को बहुत इजीएस्ट वे में फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपको डायमेंशंस जो है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है, तो उस कंडीशन में डायमेंशन को फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहां पर समझना, P इक्वल टू हो गया है आपका एम वी। एम आप जानते हैं कि एम को मेजर करते हैं केजी में, और जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो वेलोसिटी की भी आपकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। तो ये तो हुई आपकी मोमेंटम की, मोमेंटम की आपकी ये हुई यूनिट। ठीक, ये तो हुई आपकी यूनिट। अच्छा हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशन, तो डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है, तो डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, यहां होगा आपका m1 l1 और अपॉन में आ जाएगा t1। क्लियर? तो यहां से m1
L1, T-1 is the dimension of momentum. Momentum की dimension होगी M1, L1, T-1, option number D. यहां match हो रहा है आपका option number D is your correct answer. Dimension of momentum is M1, L1, T-1 is your correct answer. So option D is your correct. C आपका wrong है, D आपका, B आपका wrong है और A आपका wrong है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स. फोर्स की आपको यहां पर डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो फोर्स का फॉर्मूला हम 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स क्या होता है. फोर्स इक्वल्स टू होता है आपका MA. तो 9 क्लास से फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं. तो F इक्वल्स टू MA होता है. A आपका एक्सेलरेशन है, M आपका यहां पर मास है. सो डायमेंशन ऑफ फोर्स, यू नो दैट F इक्वल टू MA एंड M यानी कि मास इज मेजर्ड इन केजी एंड एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो हियर द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज M1, L1 एंड T2. क्लियर ना? इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, हाउ टू राइट इट, री राइट इट. M1, L1, T-2 This is the dimension of force. Force के dimension कौन सा option match हो रहा है? Option number first नहीं, option number second नहीं, option number third नहीं, option number D is your correct answer. Option number D आपका यहाँ पर बिल्कुल correct answer है. Dimension of force जो है M1, L1, T-2 is your correct option. Clear? चलिए भाई. Next question पे चलते हैं. Question find the dimension of gravitational constant. Gravitational constant की dimension को find out करना है. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो ये भी 9 क्लास का ही था फॉर्मूला. बहुत इजीली आपको वहां पर पढ़ाया भी गया होगा कि वी नो दैट दैट एफ इक्वल टू होता है आपका gm1 m2 upon r2. इज इट क्लियर टू एवरीवन? F equal to gm1 m2 upon r square. This is the formula of gravitation. This is the formula of gravitation, gravitational force. Now this one, ये जो है आपका क्या है, ये आपका gravitational force constant है भाई. ये gravitational constant, तो हमें gravitational constant की dimension को find out करना है. Gravitational constant की dimension को find out करना है, तो you have to write it as g equal to fr square m1 upon m2. now you must know about the dimension of force. Force की dimension आपको पता होना चाहिए. और अभी हमने निकाली force की dimension m1 l1 t-2 is the dimension of force. तो यहां से g equal to dimension हम निकालेंगे. तो ये हो गया dimension. अच्छा, इसकी dimension क्या होगी? इसकी dimension होगी m1 l1 T-2. अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायमेंशन फाइंड आउट करी है फोर्स की. तो m1 l1 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. और r की डायमेंशन क्या होगी? l स्क्वायर हो जाएगा. अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में क्या आ जाएगा? m1 और यहां पर भी आ जाएगा m1. रीराइट इसे करें वापस से. तो रीराइट करेंगे तो यहां देखिए आप, ये m1 है और ये नीचे दो m1 है, तो ये दोनों m स्क्वायर हो गया है. m स्क्वायर जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस यानी कि m1 आ जाएगा, m-1 आ जाएगा. क्लियर? फिर देन l2 है तो l3 हो जाएगा, l3 और t-2 आ जाएगा. दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन होगी m1 m-1 l3 t-2. ऑप्शन मैच करवाते हैं. ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहां पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. फर्स्ट आपका करेक्ट नहीं है. सेकंड नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका. तो बी इज योर करेक्ट आंसर. आपका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है. यहां पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए आपका यहां पर रॉन्ग है. ऑप्शन सी भी रॉन्ग है. ऑप्शन डी भी रॉन्ग है. ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू another one. Next पर चलते हैं. Find the dimension of charge. Charge की dimension आपको find out करनी है. 10th class में आपको charge के बारे में बहुत आराम से पढ़ाया गया होगा, बहुत easily पढ़ाया गया होगा कि current equal to क्या होता है. Current rate of flow of charge is known as current. So rate of flow of charge, the amount of flow of charge per unit time is called the current. तो I equal to होता है आपका Q/T. Clear? So, यहां से चार्ज को डिनोट किया जाता है. ये आपका चार्ज है भाई, है ना? इससे क्यू को जो डिनोट करेंगे, ये क्यू को डिनोट करेंगे. चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है. ये आपका टाइम है भाई, है ना? ये टाइम और ये आपका करंट है. करंट आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है? करंट आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है.
तो यहां से हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, चार्ज की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी। और भाई यहां से बहुत इजीली हमें फाइंड आउट हो गया कि ये तो हो गया आपका एम वन, सॉरी ये तो हो गया है आपका, ये तो हो गया है आपका ए वन और टाइम हो गया आपका टी वन। तो यहां से जो डायमेंशन निकल कर आएगी, डायमेंशन क्या निकल कर आएगी आपकी, डायमेंशन निकल कर आएगी एम जीरो एल जीरो टी वन एंड ए वन इज द डायमेंशन ऑफ क्यू, यानी कि चार्ज की। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, एम जीरो एल वन एल जीरो टी वन ए वन इज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहां पर। सो ये भी टेंथ का ही क्वेश्चन था, टेंथ का ही है कि आपको ये सारे जितने भी जो फॉर्मूले हैं बहुत इजीएस्ट फॉर्मूले हैं, चार्ज पोटेंशियल करंट है ना, तो ये भी आपको टेंथ क्लास में पढ़ाया गया है। टेंथ क्लास में आपको बताया था कि वी इक्वल टू होता है आपका पोटेंशियल, वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाय क्यू, W by Q। तो अभी जस्ट दो मिनट पहले ही हमने फाइंड आउट किया था किसका, चार्ज का हमने फाइंड आउट किया, डायमेंशन L M0 L0 T1 A1 वो आपकी डायमेंशन थी किसकी, चार्ज की। हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी वर्क की, तो वर्क की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायमेंशन वर्क की फाइंड आउट करते हैं कि वर्क की डायमेंशन क्या होती है, देन इसके बाद आपको बहुत इजीली देखिए वर्क की डायमेंशन क्या होगी, वर्क वर्क होता है आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन होती है एम वन एल वन टी माइनस टू इज अ डायमेंशन ऑफ फोर्स, और इसकी होगी डी की, यानी कि डी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये हो गया आपका एल वन। तो वर्क की जो डायमेंशन होगी वो वर्क की डायमेंशन होगी आपकी एम वन एल टू टी माइनस टू इज अ डायमेंशन ऑफ वर्क, ये आपकी वर्क की डायमेंशन हुई। क्लियर। चलिए भाई अब बहुत इजी हो गया है क्योंकि हमने क्यू यानी कि चार्ज के अभी जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें चार्ज की डायमेंशन फाइंड आउट करी थी, यहां हमने वर्क की डायमेंशन फाइंड आउट कर ली है, दोनों डायमेंशन हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिए। तो अब बहुत इजीली हम यहां से डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वी और यहां पर वर्क की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, एम वन एम वन एल टू और ये हो गया टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, एंड नाउ हियर द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज एम जीरो एल जीरो टी वन एंड ए वन इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। नाउ फ्रॉम हियर द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नाउ एम वन एम वन एल टू टी माइनस थ्री A1 is the dimension of electric potential. So which option is correct? Option number A? No, option number A is not correct. So option is A is not correct. Option B, option B, option B. No, not correct. Option B is not correct. Yes, yes, yes. Sorry, sorry. Option B is your correct answer. Option B जो है आपका correct answer होगा because of जैसे ही आपका ये ऊपर जाएगा तो ये भी minus में convert हो जाएगा, तो A minus ये denominator में है, तो denominator में है तो A भी आपका जैसे ही numerator में जाएगा ऊपर जाएगा तो minus one हो जाएगा। तो option B is your correct answer. आपका B जो है ये dimension बिल्कुल match हो रही है, तो electric potential की dimension आपकी ये होगी। क्लियर। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डायमेंशन फाइंड आउट करिए। अब रेजिस्टेंस की डायमेंशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इट्स वेरी इजी, फिर से इजी क्योंकि हमने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन को तो फाइंड आउट कर ही लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन को फाइंड आउट कर लिया है, तो यहां पर पोटेंशियल जो होगा आपका यानी कि रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ जानते हैं, बाय ओम्स ओम्स लो ओम्स लो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ओम्स लो से दैट्स वी इज वी इक्वल टू होता है आई आर। नाउ हियर आर इक्वल टू वी अपॉन आई, एंड नाउ वी होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड आई है आपका फंडामेंटल यानी कि करंट। तो यहां पर जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था पोटेंशियल की, पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी डायमेंशन फाइंड आउट करी थी एम वन एल टू T माइनस थ्री ए माइनस वन, ये आपकी डायमेंशन है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन है तो पहले हम यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन को राइट डाउन कर लेंगे एम वन एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और नाउ यहां पर ये जो डायमेंशन है करंट की वो ए वन हो जाएगी। अब ये जैसे ही न्यूमेरेटर से ऊपर जाएगा तो यहां पर डायमेंशन ऑफ आर इज M1
एल टू टी माइनस थ्री और a माइनस टू हो जाएगा. दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन होगी. ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी, ये बिल्कुल डायमेंशन मैच हो रही है आपकी. तो ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है. द रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होगी, रेजिस्टेंस की डायमेंशन ये हो रही है. चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है आपका व्हाट आर डायमेंशन एंड दियर सिंबल्स. सिंबल्स क्या है वही पढ़ रहे हैं अपन, वही चीज है. Of the following quantities, which one has dimension different from the remaining two? किसकी dimension जो है वो remaining two से different है. Clear? आपको option A given है, option B given है, option C given है, option D given है. Option A में आपको energy per unit volume दिया हुआ है. अच्छा question क्या है, question को वापस से समझ लेना. Of the following quantities, which one has dimension different from the remaining two? दो remaining two से, मतलब इन four options में से, three options में से remaining two, यानी कि किसकी अलग dimension है, यह हमें find out करना है. तो बहुत easily find out कर लेंगे. Energy per unit volume, energy per unit volume, energy की dimension क्या होती है? Energy क्या है? Work ही है. Work की जो dimension होगी, वही आपकी किसकी dimension होगी? वही आपकी dimension होगी energy की. तो ये हो गया आपका M1, L1 एंड T माइनस L2, सॉरी L2, L2 एंड T, L2 एंड T माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी. एंड वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी? वॉल्यूम की डायमेंशन होगी L3 पर यूनिट है, क्योंकि ये है ना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो यहां पर आ जाएगा आपका E अपॉन V. तो यहां से क्या निकालेंगे हम, ये हो गई डायमेंशन आपकी. तो डायमेंशन आपकी क्या निकल कर आएगी? डायमेंशन आपकी यहां से निकल कर आई है, डायमेंशन आपकी यहां से निकल कर आई है क्या, देखिए तो डायमेंशन आपकी यहां से निकल कर आई है एम वन एल माइनस वन एंड टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम. ये डायमेंशन क्योंकि एल थ्री जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा और एल टू वहां ऑलरेडी है तो एल टू और एल थ्री है तो एल माइनस वन हो जाएगा. ये डायमेंशन है आपकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की. नाउ फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है आपको. फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए. फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से डिफरेंशिएट हो. फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? M1, L1, T माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स और एरिया की डायमेंशन होगी L स्क्वायर. तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका M1, L माइनस वन, T माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. सो ये तो दोनों डायमेंशन सेम है, है ना. फोर्स अपॉन एरिया और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इन दोनों की डायमेंशन सेम है. एनर्जी पर वॉल्यूम और फोर्स अपॉन एरिया, ये दोनों डायमेंशन आपकी सेम आई है. ऑब्वियसली बात है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम पर यूनिट मास, तो एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास आपको फाइंड आउट करना है. तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल अपॉन पर यूनिट मास यानी कि एम निकालना है. तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, एम वी आर आपका एंगुलर मोमेंटम होता है और मास है आपका m. तो m से तो m कैंसिल आउट हो गया है. v की डायमेंशन क्या होगी? v की डायमेंशन होगी आपकी m1, सॉरी v की डायमेंशन होगी m0 l1 t माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एंड l1 की r की कितनी होगी? l1. ऑल एबीसी आर सेम नहीं, ऑल एबीसी आर सेम नहीं होगी. तो यहां से डायमेंशन आपका क्या आ जाएगा? डायमेंशन आ जाएगा आपका m0 L2 T माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम पर यूनिट मास, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास. ये डायमेंशन होगी आपकी किसकी? ये डायमेंशन है. तो इसकी डायमेंशन होगी M0 L2 T. ये डिफरेंट है भाई, है ना. ये जो ऊपर के जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों से डिफरेंट है. तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही आपकी जो डायमेंशन है, इसी की डायमेंशन आपकी बाकी की रिमेनिंग टू से डिफरेंट है. चलिए भाई यहां समझते हाउ आर डायमेंशंस आर यूजफुल इन फिजिक्स. मैंने आपको बताया था कि डायमेंशंस जो है वो क्यों डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट सॉरी, हाउ आर डायमेंशंस आर यूजफुल इन फिजिक्स. फिजिक्स में डायमेंशंस जो है वो कैसे यूजफुल है. क्लियर? हम डायमेंशन आखिर पढ़ते क्यों हैं? डायमेंशन का इतना यूजफुलनेस कहां है फिजिक्स में, किस तरीके से और क्यों हम डायमेंशंस को पढ़ रहे हैं? अच्छा पहली बात तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि जो ऑप्शन ये जो है आपका
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि अगर आपकी डायमेंशन आपको पता हो, कोई फॉर्मूला है मान लीजिए फिजिक्स में एफ इक्वल्स टू एम ए, क्लियर। अब हु सेज दैट दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है, हु सेज, किसने कहा? दिस फॉर्मूला शुड बी डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, एल एच एस इसका आर एच एस के इक्वल होना चाहिए, तो जाकर ये फिजिक्स में आपका एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इसे हम फिजिक्स में एप्लीकेबल नहीं मानेंगे। अब अगर मान लीजिए एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, ई इक्वल टू होता है आपका, ई इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात सुनिए भाई, ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, सॉरी देखिए, हाँ तो डायमेंशन मैं बता रहा था आपको कि एफ इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है आपका एम ए, ये आपका फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो उसको इस कंडीशन में इस फॉर्मूले को लेजिमिटेट नहीं होगा, मतलब कि इस फॉर्मूले को हम नहीं मानेंगे। और यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है कि आपकी एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए फिजिक्स में, और अगर डायमेंशन इक्वल्स है तो उस कंडीशन में वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। एनर्जी की डायमेंशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे एनर्जी है मान लीजिए ई इक्वल टू होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, अब ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो आपकी ये डायमेंशन जो है इस एल एच एस यानी कि ई की डायमेंशन, एल एच एस की डायमेंशन आपकी आर एच एस की डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्लियर। एक और फॉर्मूला जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं जैसे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब बात सुनिए, इन सभी टर्म की डायमेंशन जो है आपकी इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इन सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम नहीं है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला नहीं होगा, इस फॉर्मूले को हम नहीं मानेंगे, अदरवाइज अगर डायमेंशन सबकी सेम है तो उस फॉर्मूले को हम मानेंगे, मतलब क्लियर। अच्छा, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि मान लो कि जैसे हमने लिखा हाफ, हाफ की कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो ई एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू होगा आपका, इक्वल टू होगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो डायमेंशन आप निकालेंगे, ये डायमेंशन इसकी निकालेंगे और इसकी निकालेंगे, तो आपका एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो जाएगा, पर यहां जो ये कांस्टेंट आ रहा है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू की हम डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ये यहां पर थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता है कि आपका जो डायमेंशन है, डायमेंशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है डायमेंशन में, क्लियर। और इस तरीके से जैसे अगर आप v square equals to u square plus 2as लिखते हैं, तो इस कंडीशन में इन सभी टर्म्स की डायमेंशंस और यूनिट सेम होनी चाहिए, इस 2 को छोड़कर, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये 2 जो है आपको 2 रिसर्च करके और मैथमेटिकली आपको कुछ प्रैक्टिकल करके ही लिखना होगा ये 2, क्योंकि यहां पर डायमेंशन से हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि यहां 2 आएगा या हाफ आएगा या वॉट एवर जो भी आएगा, तो हम डायमेंशन से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। चलिए समझते हैं, टू क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव द सेम डायमेंशन, ये मैंने आपको बता दिया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही कंडीशंस में आपकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने न्यूटन्स जो मोशन इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और s इक्वल्स टू यू टी प्लस आर टी स्क्वायर, तो सभी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। क्वांटिटीज ऑन इधर साइड ऑफ एन एक्सप्रेशन इक्वेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन, दोनों एक्सप्रेशन में यानी कि f equals to ma है या e equals to half mv square है, दोनों कंडीशंस में आपकी डायमेंशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए, क्लियर, LHS equal to the RHS होना चाहिए। यूजिंग द प्रिंसिपल वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, इस फॉर्मूले को यूज करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, डायमेंशन को यूज करके हम उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला आपका करेक्ट है या नहीं, f equals to ma आपका करेक्ट फॉर्मूला है या नहीं है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करके, इन दोनों की LHS और RHS की डायमेंशन को फाइंड आउट करके, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। चलिए, so how is dimension analysis are used, कैसे dimension analysis जो है वो कैसे use होती है, तो देख लिए, यहाँ पर एक equation है v equals to u plus at। अच्छा, just अभी हमने पढ़ा कि जो dimension है वो dimension आपकी क्या होनी चाहिए, dimension सभी addition या subtraction में सभी की dimension और units जो है वो same होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपका first formula है v equals to u plus at,
अब यार यहां पर जो v है, इस v की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। अब v की डायमेंशन यानी कि यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा v तो है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और ये वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड होती है। प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन यूनिट है वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और t की क्या होगी, t की सेकंड, तो एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर देखिए आप मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी भी यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड, और इसकी भी यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड। यानी कि सभी जो टर्म्स हैं, सभी टर्म हैं, इन सभी टर्म की डायमेंशन और यूनिट जो है सेम है। दिस दैट मींस ये जो है आपका फिजिकली करेक्टनेस, यानी कि इसकी करेक्टनेस को हम डायमेंशनली हमने चेक कर लिया है। यानी कि ये फॉर्मूला जो है आपका, ये इक्वेशन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो नेक्स्ट पर देखते हैं, लेट अस परफॉर्म द डायमेंशन एनालिसिस ऑन इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसकी डायमेंशन एनालिसिस देख लेते हैं कि दिस फॉर्मूला इज फिजिकली करेक्ट और नॉट। तो ये आपका करेक्ट है या नहीं है, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, यहां प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कशन में बता दिया है कि आप 2 को नहीं बता पाएंगे। यानी कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जैसे कि 2, 5, हाफ, व्हाटएवर, जो भी आपका आता है वो आपको प्रैक्टिकली करके देखना होगा। प्रैक्टिकल करके ही आपको बता पाएंगे आप कि ये फिजिकली करेक्ट है या नहीं है। ठीक, तो यहां से हम पहले तो डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि सभी की ये है फाइनल वेलोसिटी आपकी, ये होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये आपकी होगी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये है आपका एक्सेलरेशन, और ये है आपकी डिस्टेंस। ठीक, तो इसकी डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये वी, वी की डायमेंशन क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर इक्वल टू यू की डायमेंशन क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर प्लस टू। आप लिखेंगे ही नहीं क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है। और ए की डायमेंशन क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस की डायमेंशन होगी मीटर। तो यहां से जो डायमेंशन होगी आपकी, वो डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट सॉरी, इसकी होगी आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी होगी आपकी मीटर स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है भाई, है ना, मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एलएचएस और आरएचएस, यानी एलएचएस आरएचएस की नहीं, यहां तो सभी जो टर्म है आपकी, सभी टर्म्स की डायमेंशन जो है आपकी इक्वल है। तो सभी टर्म्स की डायमेंशन अगर इक्वल है तो दैट मीन्स वी कैन सेड कि ये आपका फिजिकल, ये प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला जो है वो पॉसिबल है, इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है ना, फिजिकल करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला की करेक्टनेस है। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन। ये आपको रिलेशन गिवन है यहां पर, ये आपको एक रिलेशन गिवन है, क्लियर, v इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टी प्लस सी स्क्वायर, एक रिलेशन आपको गिवन है। अब आपसे पूछा गया द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, दिस द यूनिट्स ऑफ ए बी एंड सी विल बी, यूनिट ए बी सी की क्या होगी। तो अभी इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, हमने डायमेंशंस फाइंड, यूनिट्स फाइंड आउट करी थी, और सब टर्म की यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। तो सब टर्म की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो वी, वी की यूनिट जो है आपको जानते हैं कि वी की यूनिट क्या होगी, वी की यूनिट जो है आपकी यहां पर, वी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वी की यूनिट होगी। यहाँ ए की यूनिट, यहां पर भी आपका क्या आना चाहिए, ए, ए पर भी वी आना चाहिए क्योंकि यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए भाई। तो यहां पर ए पर भी आपका क्या आना चाहिए, ए, तो ए की यूनिट भी आपकी मीटर पर सेकंड ही होगी, क्लियर। चलिए बी अपॉन टी, बी की यूनिट क्या होनी चाहिए, यहां पर बी अपॉन टी है तो बी अपॉन टी में बी की यूनिट क्या होनी चाहिए, बी की यूनिट आपकी मीटर होनी चाहिए, अपॉन में क्या आ जाएगा सेकंड, तो ये दिस इज ऑल्सो द मीटर पर सेकंड, तो बी आपका मीटर होगा भाई, है ना, बी आपका क्या होगा मीटर, B आपका मीटर होगा, A आपका मीटर पर सेकंड होगा। ऑप्शन वैसे ही, अब आपको कोई दूसरा फाइंड आउट करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहां पर B A की में मीटर है और A की में A में मीटर पर सेकंड है, नहीं सॉरी इसमें दो में है पर बाकी यहां पर B में मीटर A की में है, तो आपका ये वाला ऑप्शन A आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी आपको रिमेनिंग फाइंड आउट करने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सी का क्या होगा, सी का होगा मीटर
पर सेकंड क्यूब आएगा और यहां ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होगा तो यहां वन बचेगा, तो तब जाकर मीटर पर सेकंड होगा, तो मीटर पर सेकंड क्यूब ये वाला यही होगा। तो यहां ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट होगा, ए बी सी की डायमेंशन ये होगी, क्लियर। और ऑप्शन बी से भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। चलिए भाई, यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटीज इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन फैक्टर्स में भी हम यहां पर क्या करते हैं, डायमेंशन का यूज करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। कन्वर्जन फैक्टर जैसे कि मान लीजिए एसआई यूनिट में हम फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं, तो सीजीएस यूनिट में हम फोर्स को डाइन में मेजर करते हैं। तो यहां पर सिर्फ आपके जो मैथमेटिकल टर्म है वही चेंज होगी। अब जैसे देखिए इधर क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन क्या है, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अब एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है आपकी क्या होती है, न्यूटन। अब देखना, समझना है यहां पर, न्यूटन को हम किसमें लिखते हैं, न्यूटन को हम लिखेंगे केजी, क्योंकि फोर्स होता है आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एसआई यूनिट होती है फोर्स की, फोर्स की एसआई यूनिट ये होगी न्यूटन। और सीजीएस यूनिट में आप क्या लिखेंगे, सीजीएस यूनिट में आप लिखेंगे, सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में आप लिखेंगे, सीजीएस यूनिट में ये होती है डाइन, डाइन। और डाइन में केजी को आप लिखेंगे किसमें, ग्राम में, मीटर को आप लिखेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, और सेकंड सेकंड ही होता है। अब ये होता है कन्वर्जन फैक्टर। अब कैसे करेंगे देखना, समझना, केजी को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में, मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे, केजी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर यह हो जाएगा आपका केजी यानी कि वन न्यूटन, तो न्यूटन में लिख रहे हैं आप केजी, केजी मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर रहे हैं आप सीजीएस में, एसआई यूनिट है ये आपकी, एसआई यूनिट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सीजीएस में, सीजीएस में केजी पर मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आप इसे सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो केजी को क्या लिख देंगे आप, 1000 ग्राम, मीटर को लिख देंगे आप 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, तो सेकंड ही होगा, तो यहां से क्या जाएगा, ये आपका 10^5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 10^3 है, 10^2 है, तो 10^5 हो गया। तो ये हो गया आपका 1 न्यूटन इक्वल टू दी 10^5 डाइन, क्योंकि इसे बोलते हैं डाइन, ये जो यूनिट है आपकी इसे बोलते हैं डाइन, और ये जो यूनिट है इसे बोलते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होगा आपका 10^5 डाइन, इसे बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर, यानी कि एसआई यूनिट को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सीजीएस यूनिट में। तो 1 न्यूटन इक्वल टू दी होता है आपका 10^5 डाइन, क्लियर। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन हम एनर्जी के लिए करते हैं, एनर्जी का कैसे फाइंड आउट करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। चलिए इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझना, देखिए एसआई यूनिट क्या होगी एनर्जी की, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल, जूल होती है भाई, है ना, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी की एसआई यूनिट तो जूल होगी, इसे लिखेंगे कैसे, मतलब कि जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये तो हुई आपकी किसमें, एसआई में। सीजीएस में क्या होगी, समझना, सीजीएस में लिखते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, और सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी होती है अर्ग, ERG। केजी को कन्वर्ट कर देंगे आप ग्राम में, और मीटर को कन्वर्ट कर देंगे आप सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब कन्वर्ट करें इसे, तो 1 जूल क्या होगा आपका, 1 जूल मतलब कि है आपका, 1 जूल मतलब कि यही 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं आप सीजीएस में, सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम,
और ये हो जाएगा आपका 10^2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो 2^4 यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये 3 तो 7 हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका 10^7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये जो होता है आपका ये होता है अर्ग, यानी कि 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, यहां लिख देता हूं मैं, 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 10^7 अर्ग ERJ। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का कन्वर्जन फैक्टर होगा। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली, बहुत इजी गोइंग समझ में आए होंगे। डायमेंशंस हमने फाइंड आउट करी कि डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस के बारे में हमने डिटेल से एनालाइज किया कि डायमेंशन को किस तरीके से ब्रैकेट में लिखकर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखा जाता है, LMTAK की फॉर्म में लिखा जाता है, और पावर्स लिखी जाती है, पावर से हम ऑब्टेन कर लेते हैं यूनिट्स को। क्लियर? तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? फिजिक्स में। और देन हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में डिस्कशन किया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है फिजिक्स में, जो डायमेंशन है, डायमेंशन का यूज हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में किस तरीके से करते हैं, आपकी किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को किस तरीके से डायमेंशनली कैसे चेक किया जाता है, वो हमने फाइंड आउट किया। देन उसके बाद हमने कन्वर्जन फैक्टर में फाइंड आउट किया, और प्रॉब्लम यहां क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि आप कोई मैथमेटिकल टर्म आती है तो मैथमेटिकल टर्म को आप प्रैक्टिकली ही लिख पाएंगे, डायमेंशन से ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को यहां पर देखा। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।